ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है और मुस्लिम पक्ष ने पूजा के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। हाईकोर्ट का पूजा पाठ का रोक लगा आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए, उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, जिससे ये न्याय जो है वास्तव में जो वहाँ जो पूजा पाठ वगैरह होती थी वह पुनः जो है वो लगातार चलेगी, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और अंजुमन जामिया के उस दावे को, उस आपत्ति को माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और क्या हुआ इसके बारे में? अब इसके बारे में सारी चीज़ें जो है यहाँ जो है चल रहा है और पूजा पाठ तो हमारा शुरू हो ही गया है, सारे जो है जिलाधिकारी रिसीवर है कॉरिडोर द्वारा जो है पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं को किया जा रहा है, दर्शन पूजन सब हो रहे हैं उस तहखाने में, और ये सिद्ध नहीं कर पाया है चूंकि comes to the supreme court we will file our caveat before the honorable supreme court sir how do you see the verdict of Allahabad to ab reaction aane shuru ho chuke hain aur tasveerein zara dekhiyega Allahabad high court ne jo anjuman intizamiya ki dono yachikaen thi first appeal from order jisme unhone 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। इंतजामिया विच वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट 17th of January ऑर्डर एंड 31st of January ऑर्डर एंड द इफेक्ट ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट द पूजा विल कंटिन्यू एंड इफ द अंजुमन इंतजामिया कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट वी विल फाइल आवर कैविएट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो आप सुन रहे हैं वकीलों को, रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि आज का दिन बेहद खास था, ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। दरअसल ये पूरा मसला था व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर, तो ऐसे में अब जो बड़ा फैसला आया है ये पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है, मुस्लिम पक्ष ने पूजा के खिलाफ दाखिल की थी याचिका, हाईकोर्ट का पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार। हालांकि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर यह कहा जा रहा था कि कुछ छेड़छाड़ है, कुछ ऐसा नहीं होगा, जो चीज जैसी है वैसे ही रहेगी, लेकिन पूजा जारी रहेगी। तो हाईकोर्ट का पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार, और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष इस फैसले का सम्मान करेगा या फिर आगे अपनी अर्जी लगाएगा वो सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, और ऐसे में स्थानीय कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया था, फिर पूरा मामला हाईकोर्ट पर। अब हाईकोर्ट के बाद क्या आगे का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष, क्योंकि अर्जी खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट द्वारा, व्यास जी तहखाना जहां पर शुरुआत से पूजा पाठ होती रही थी लेकिन मस्जिद होने के कारण या बनने के बाद मुस्लिम पक्ष ने उसे बंद कर दिया था तहखाने को, और ऐसे में व्यास जी तहखाने को जब वापस से खोला गया रूल रेगुलेशंस के साथ, कोर्ट की आज्ञा के साथ, तो ऐसे में पूजा शुरू कर दी गई थी। हाईकोर्ट में पूरा मसला गया, हाईकोर्ट ने अब मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि ये चीज जरूर कही गई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंदु है जैसे कि किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ पूजा करने की इजाजत यहां पर दी गई है और वो पूजा पाठ व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी। अब देखना होगा क्या मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करेगा या फिर अपनी अर्जी लगाएगा आगे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इसे जीत हार नहीं कहा जा सकता, दरअसल ये पूरा मामला हाईकोर्ट में था और ऐसे में फैसले का सम्मान करना चाहिए जो फैसला आता है, लेकिन ये राइट है कि आप अपने इस मामले को आगे लेकर जा सकते हैं, स्थानीय कोर्ट, कोर्ट से हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष क्या इस फैसले का सम्मान करेगा या फिर आगे अपनी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये पैरवी के ऊपर रहेगा, दलील के ऊपर रहेगा, उस अर्जी के ऊपर रहेगा, उन बिंदुओं पर रहेगा कि हाई कोर्ट ने आखिर उस अर्जी को खारिज किया है तो क्यों किया है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है,
वो आधार देखा जाएगा। और ऐसे में हिंदू पक्ष खुश नजर आ रहा है क्योंकि वो व्यास जी का तहखाना जिससे इतिहास जुड़ा है, यहां पूजा पाठ होती थी, लेकिन एक बार फिर से उस पूजा पाठ को जारी रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है। एहतेशाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। एहतेशाम, बात यहां पर जीत हार की नहीं, बात यहां पर हाईकोर्ट के उस फैसले की है। अब सवाल यह कि मुस्लिम पक्ष उसका सम्मान करेगा या फिर अपनी अर्जी आगे लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हम आपको बता दें कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ जब रुकी थी उसके बाद से ये मामला वाराणसी न्यायालय में चल रहा था, और जब वाराणसी न्यायालय ने एक बार पुनः ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू करने का आदेश दिया था तो उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि इस फैसले के खिलाफ आप हाईकोर्ट में जाइए और हाईकोर्ट में इसकी अर्जी दीजिए, हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट में सुनवाई थी, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, और आज अपने उसने फैसले में साफ तौर से कहा है कि पूजा पाठ पहले भी हो रही थी, कुछ कारणों से रुकी थी, लिहाजा पूजा पाठ रुकी नहीं जाएगी, वो उसी तरह चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक झटका लगा है और व्यास जी की पूजा जिस तरह से हो रही थी उस हिसाब से होती रहेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि हाईकोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष सम्मान करते हुए अपनी बात रखने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर करेगा। तो जहां तक कोर्ट के फैसले की कॉपी जब आ जाएगी उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार हैं और जो वकील है उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद अपनी एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे। और जिस तरह से जिला न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसी तरह फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आने की उम्मीद है, और जो व्यास जी के तहखाने की पूजा है वो पूजा होती रहेगी। जी, और जो रूल रेगुलेशन साथ में होंगे कि इस पूजा पाठ के साथ आप किसी चीज में छेड़छाड़ नहीं कर सकते या कोई नुकसान नहीं, क्या ऐसे बिंदु भी हैं? वो भी जरा बता दीजिए तिशा। जी हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि व्यास जी का तहखाना बहुत ही पुराना है और थोड़ा जर्जर स्थिति में है, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि चारों तरफ से मोटी ग्रिल की बैरिकेटिंग है, बस एक तरफ से रास्ता बनाया गया है ताकि जो दर्शनार्थी है वो दूर से दर्शन कर लें। मंदिर के अंदर क्या वो तहखाना है, तहखाने के अंदर साफ सफाई लाइटिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन ने करा दिया है, वहां पे जो पुजारी है वो जाते हैं पूजा पाठ कर। बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी ड्यूटी भी लगाई गई है, और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एहतेशाम, विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।